हेलो एवरीवन आज हम डाइसेकेराइड के अंतर्गत सर्वप्रथम लैक्टोज या दुग्ध सर्करा या मिल्क सुगर के बारे में अध्ययन करेंगे लैक्टोज का अणुसूत्र होता है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन और यह एनिमल के मिल्क्स में पाया जाता है अतः इसे हम क्या कहते हैं मिल्क सुगर कहते हैं दूध से पनीर जब हम बनाते हैं तो जो बचा हुआ द्रव है उसका क्रिस्टलीकरण वास्पन करवाने पर लैक्टोस प्राप्त होता है टू थ्री फोर सिक्स टैट्रा ओसीटिल एल्फा डी गैलेक्टोपाइरोल ब्रोमाइड तथा टू थ्री फाइव सिक्स डाई ओ आइसो प्रोपाइलीडीन डी ग्लूकोज डाई एथिल एसिटेल के संगन द्वारा भी लैक्टेज का संश्लेषण किया जा चुका है यह एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि 203 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर विघटन के साथ पिघलता है यह जल में विलयशील होता है लेकिन अल्कोहल व ईथर में अविलय होता है यह दक्षिण द्रुंगण घूणक होता है तनु अम्ल अथवा एंजाइम लैक्टेज से यह जल अपघटित होकर डी ग्लूकोज व डी गैलेक्टोज का बराबर बराबर मात्रा में मिश्रण बनाता है एंजाइम लैक्टेस एक बीटा डाइग्लाइकोसिडेस होता है अर्थार्थ यह है बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन का जलअघटन करने के लिए विशिष्ट है इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि लैक्टोज में बीटा ग्लाइस को सिडिक बंधन पाया जाता है अतः लैक्टोज एक अपचायक शर्करा होती है अतः कौन कौन से गुण पाए जाते हैं कि यह फैलिंग विलियन को अपचयित कर देता है हाइड्रोक्सिल एमिन एन एच टू ओ एच के साथ क्या बनाता है ओक्चिम फेनिल हाइड्रोजिन के साथ यह ओसाजोन बनाता है और परिवर्ती घूर्णन म्यूटा रोटेशन भी प्रदर्शित करता है जब लैक्ट का मैथिलीकरण करवाने के पश्चात तेजी तेजी से अपघटन करवाया जाता है तो टू थ्री सिक्स ट्राईओ मैथिल डी ग्लूकोज तथा टू थ्री फोर सिक्स टेट्रा ओ मैथिल डी गैलेक्टोज बनता है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि लैक्टोज के अणु का ग्लूकोज भाग अपचायक है जबकि गैलेक्टोज भाग उसका अनपचायक भाग बनाता है ब्रोमीन से ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करवाने पर लैक्टोज से लैक्टोबायोनिक अम्ल बनता है जो कि मैथिलीकरण के पश्चात जल अवघटित करवाने पर टू थ्री फाइव सिक्स टैट्रा मैथिल डी व टू थ्री फोर सिक्स टैट्रा मैथिल डी गैलेक्टोज बनाता है तो उपयुक्त अभिक्रियाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि लैक्टोज की संरचना फर्स्ट होनी चाहिए जिसमें कि छह सदस्यों की, की ग्लूकोज व गैलेक्टोज इकाइयाँ क्रमशः सी फोर व सी वन ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा परस्पर जुड़ी हुई है अतः इसका रासायनिक नाम क्या है फोर ओ बीटा डी गैलेक्टोनिस डी ग्लूको पायरे संरचना फर्स्ट में उपयुक्त वर्णित लैक्टोज के हम समस्त गुणों की व्याख्या की जा सकती है ये क्या है लैक्टोज तो ये वाला कौन सा भाग है इसका अपचायक भाग और ये कौन सा भाग है अनौपचारिक भाग जब इसकी मैथिनॉल एवं डाई मैथिल सल्फेट के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या मिलता है हमें मैथिल हैप्टा मैथिल गैलेक्टो सॉरी मैथिल हैप्टा लैक्टोसाइड जो कि जल अवघित होकर किस में कन्वर्ट हो जाता हैप्टा है, लैक्टोसाइड फिर वापस से इसका जब तीव्र जल जलअघन करवाया जाता है तो ये वाला बंध टूट जाता है ग्लाइकोसिडिक बंध और क्या बनता है एक तो बनता है टू थ्री सिक्स ट्राई ओ मैथिल डी ग्लूकोज और दूसरा क्या बनता है इसमें टू थ्री फोर सिक्स टेट्रा ओ मैथिल डी गैलेक्टोज तो लैक्टोज की उपयुक्त संरचना की पुष्टि इसके आकरण उत्पादों से होती है लैक्टोज का जब ब्रोमिन वाटर के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है ये वाला ग्रुप सी एच ओ एच ऐसे डिसमो में तो इसका क्या नाम हो जाएगा लैक्टोबायोनिक अम्ल फिर इसकी क्रिया हम डाई मेथिल सल्फेट के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है टू थ्री फाइव सिक्स टैट्रामेथिल डी ग्लूकोनिक अम्ल और टू थ्री फोर सिक्स टैट्रा ओ मैथिल डी कैलेक्टोज तो लैक्टोज को हम हाववार प्रक्षेपण सूत्र द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं जिसमें कि ये अनपचारिक भाग है और ये वाला औपचारिक भाग है इन पायरों वलयों का कुर्सी संरूपण हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं जिसमें कि समस्त समूह समस्त जो भारी समूह हैं वो इक्विटोरियल अवस्था में हैं ये इक्विटोरियल में सी टू ओ एस भारी समूह ये वाला ओ एच इक्विटोरियल ये ओ एच इक्विटोरियल इसी प्रकार से इधर ये वाला ओ एच इक्विटोरियल में है और ये वाला भी ये वाला भी तो ये इसका स्थायी कुर्सी स्वरूपण होता है अब हम देखेंगे पोली मोनोसेकेराइड सर्कराओं के ऐसे बहुलकों को हम पॉलीसेकेराइड कहा जाता है जिसके की अणुभार अत्यधिक हो कई हजारों से कई लाखों तक और ये कैसे होते हैं टेस्टहीन स्वादहीन अर्थात जल में अविलय होते हैं अतः इन्हें एसर्करा या नॉन सुगर भी कहते हैं प्रकृति में वनस्पति तथा जीवों में पॉलीसेकेराइड अधिकता से पाए जाते हैं लगभग सभी जीवों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है ग्लाइकोजन, नामक पोलिसकेराइड पाया जाता है इन्यूलिन स्टार सेलुलोस आदि पोलिसकेराइड वनस्पतियों में पाए जाते हैं वनस्पतियों में ये पोलिसकेराइड प्रकाश संश्लेषण तथा फोटोसिंथेसिस द्वारा बनते हैं फोटोसिंथेसिस में पौधों के जो ग्रीन ग्रीन वर्णक होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश की, की उपस्थिति में जल व सीओ टू के संयोग से पॉलीसेकेराइडों का संश्लेषण होता है पॉलीसेकेराइड वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के शरीरों में एक प्रकार से भोजन के भंडार गृह के रूप में कार्य करते हैं यहाँ हम स्टार्स व सेलुलोज का विस्तृतता से अध्ययन करेंगे जो कि वनस्पति में पाए जाते हैं और जीवों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं सर्वप्रथम हम देखेंगे स्टार्च तो यह एक अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है जिसका की अणु सूत्र क्या होता है सी सिक्स एच टेन ओ फाइव होल एन और पौधों में ऊर्जा के प्रमुख भंडार ग्रह के रूप में कार्य करता है यह चावल व आलू में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जबकि गेहूं मक्का, मूंगफली आदि स्टार्स के अच्छे है। यह आयोडीन के साथ संकुल बनाता है जिससे गहरा बैंगनी रंग उत्पन्न होता है इस गुण के कारण इसका आयोडोमिति व आयोडोमिति अनुमापनों में सूचक के रूप में विस्तृतता से उपयोग किया जाता है स्टार्च के दो भाग होते हैं अर्थात इसमें दो प्रकार के अणु पाए जाते हैं फर्स्ट भाग क्या होता है इसका अल्फा एमाइलेज यह स्टार्च का टेन से ट्वेंटी परसेंट प्रतिशत भाग बनाता है इसका अनुभार वन इंटू टेन की पावर फोर से वन इंटू टेन की पावर सिक्स तक के क्रम का होता है यह ग्लूकोज इकाइयों का एक रईकीय अर्थात लीनियर बहुलक होता है इसमें ग्लूकोज की लगभग साठ से छः हजार तक की इकाइयाँ होती हैं जो कि परस्पर एल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी रहती हैं इसकी जल में विलयता कम होती हैं और जले विलयन में इसके अणु अवक्षेपित होने लगते हैं जिससे कि विलयन कैसा हो जाता है दुधिया स्टार्च में ग्लूकोज इकाइयाँ परस्पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी रहती हैं इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि स्टार्च का एंजाइम डाइस्टेज से जल अवघन करवाने पर माल्टोस बनता है अतः अल्फा एमाइलेज की संरचना को हम निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं यहाँ पर क्या है सी एच ओ एस फिर एच ओ एस सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन है एच 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 और ये वाला इसके साथ किस बंधन के द्वारा जुड़ा है ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा और ये वन फाइव आपस में जुड़े हुए सी एस टू फिर ओ OH. एच इसी प्रकार से ये सेकंड इकाई है फिर ये थर्ड इस प्रकार से जुड़ी रहती है इस प्रकार से इसकी इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई रहती हैं एल्फा एमाइलेज की संरचना को निम्न प्रकार से हम हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं जिसमें कि ये वाला पार्ट है और इसके एन मोलिक्यूल और ये वाला ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है एल्फा एमलाइज की उपयुक्त संरचना को हम निम्न सरल चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये ग्लूकोज इकाइयाँ निम्न प्रकार से इसमें जुड़ी हुई रहती हैं सेकेंड है बी भाग या बीटा एम या एम स्टार्स का 80 से 90 परसेंट तक का भाग ये बनाता है इसका अनुभाग कितना होता है फाइव इंटू टेन की पावर फोर से वन इंटू टेन की पावर सेवन तक का होता है इसमें ग्लूकोज बहुलक की श्रृंखला कैसी होती है साखित या ब्रांच्ड होती है किस पे से होती है वन सिक्स एवं वन थ्री बंधन से उत्पन्न होती है और दो शाखाओं के बीच के अशाखित श्रृंखला वाले भाग में चौबीस से तीस तक ग्लूकोज इकाइयाँ होती है वन सिक्स ग्लाइसकोसिडिक बंधन से उत्पन्न शाखा युक्त एमाइलोपैक्टिन की संरचना को हम निम्न संरचना के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं ये किसका संरचना का सारा रेखा चित्र है एमाइलोपैक्टिन जिसमें कि इसका तो वन कार्बन और इसका सिक्स कार्बन ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा शाखा उत्पन्न करता है नेक्स्ट हम देखेंगे सेलूलोस। तो सैलूलोस भी स्टार्च की ही भांति ग्लूकोज का बहुलक होता है इसका क्या है फार्मूला या अणुसूत्र सी सिक्स एस टेन ओ फाइव का होल एन लेकिन स्टार्स में ग्लूकोज इकाइयाँ परस्पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी रहती हैं जबकि सेलुलोज में क्या होता है ग्लूकोज इकाइयाँ बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी होती है पौधों की कोशिका भित्ति का भी यह प्रमुख अवयव है और लकड़ी में लिग्निन के साथ यह पाया जाता है इसका प्रमुख स्रोत रुई या कॉटन है जो कि एक प्रकार से शुद्ध सेलुलोज ही है यह एक श्वेत ठोस होता है जल में विलयशील नहीं है लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड विलियन में घुल जाता है इसका अनुभार बीस हजार से पाँच लाख तक होता है जिसमें कि पाँच हजार से दस हजार तक ग्लूकोज इकाइयाँ एक असाखित श्रृंखला में बंधी हुई रहती है सेल्युलज के एसिटोपघटन करवाने पर सैलोबायोज ओक्टा एसिटेट बनता है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि सेलुलोज में सेलोबायोज इकाइयाँ हैं अर्थात ग्लूकोज इकाइयाँ पायरेनोज संरचना में हैं और ग्लूकोज की दो इकाइयाँ परस्पर बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं दो सैलोबायोज इकाइयों के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंधन की, की प्रकृति अल्फा या बीटा इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सेल्युलोज का एसिडोपगठन बहुत सावधानी पूर्वक हम कराते हैं इस प्रक्रम में सेलोट्रायोस तथा सेलोटेट्रोस बनते हैं इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सेल्युलोज में समस्त ग्लूकोज इकाइयाँ परस्पर बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़कर एक ऐसाखित श्रृंखला बनाती हैं ग्लूकोज की संरचना को हम निम्न प्रकार से दर्शाया गया है ये है सेलोबायोस इकाइयाँ तो ये जो ग्लूकोज की इकाइयाँ हैं कौन सा बंधन बनाती बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन बना के परस्पर इसके अणु जुड़े रहते हैं सेलोज की संरचना को हम निम्न हवर प्रक्षेपण सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसमें कि हम देखें कि ये वन नंबर का कार्बन और इधर ये फाइव नंबर का फोर नंबर का जो कि सेलोलोज बायोस इकाइयाँ बनी होती हैं ये वन टू थ्री और ये फोन नंबर है जो कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं संक्षेप में हम इसे निम्न सरल रेखा चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं तो इस प्रकार से जो सेलुलोज है उसमें ये ग्लूकोजिकाइयाँ ब्लीक बीटा ग्लाइकोसिटिक बंधन द्वारा जुड़ी रहती हैं और सेलुलोज और दूसरा हमने पढ़ाता इसके अंतर्गत स्टार्च इस ये दोनों क्या हैं पोली सेकेराइड थैंक यू